अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैज महीउद्दीन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये है भाव में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनके साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शेराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये है भाव में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे नशे के मुतालिक के नशे की कौन कौन सी ऐसी इकसाम हैं जिन्हें नशा नहीं माना जाता, और इसके इलाज के बारे में पूछेंगे। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर खुरम शिराज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर, आजकल जो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हमने देखे हैं कि वो मुख्तलिफ तरह के जो है नशा और अदवियात केमिकल्स जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनके माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है वो नशा नहीं है इनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये असल में स्टिमुलेंट ड्रग्स हम इन्हें कहते हैं, जो कि जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इनका सहारा लेते हैं। जो स्टूडेंट्स पूरा साल मेहनत नहीं करते, इम्तिहान के दिनों में जाके वो अपने आप को जिगाने के लिए कि वो ज़्यादा पढ़ सकें, और उसके लिए वो इन ड्रग्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे उनकी तवज्जो जो है वो स्टडी पे बेहतर हो जाती है, वो इनको नशा नहीं समझते। और ऐसे जो ड्रग्स हैं इनसे ना के इनके जिस्मानी तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, बल्कि ज़हनी तब्दीलियाँ भी रोनमा होना शुरू हो जाती हैं। तो सर आप ये बताएं कि इसकी कौन कौन सी ऐसी इकसाम हो सकती हैं जो आमूमी तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं लोग नशे में? मोस्टली जो स्टूडेंट है आजकल, आइस बहुत इन हुई हुई है। आइस से क्या है कि जी एक तो एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, स्लीप ड्यूरेशन को कम करने के लिए, अटेंशन को बेहतर करने के लिए आइस वगैरह का सहारा दिया जा रहा है। इसके अलावा कोकेन है और चर्स वगैरह जो है, ये वो नशे हैं जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है और सस्ते भी और हर आम इसकी रसाई है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, के साइड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं, तो वो हम पूछते हैं मिस्टर फैज मोहिउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर अभी हमें बात हो रही थी नशे के मुतालिक, तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं हमारे मुआशरे में नशा इस्तेमाल करते हैं और उनके माइंड में होता है वो नशा नहीं होता, तो अक्सर में वो होता तो नशा ही है, जैसे सर खुरम ने भी जो है इसके ऊपर जो है तफसील से बताया है कि ये कौन कौन से जो है नशे हैं। तो काइंडली अब आप हमें ये बताएं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ड्रग्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल इस किस्म की ड्रग्स आ चुकी हैं कि हमें, जैसे खुरम साहब ने बताया कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं स्पेशली स्टूडेंट्स, हमारी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के बच्चे हैं जो कि अपनी टेंशन को बढ़ाने के लिए और अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, और स्पेशली कि वो रात को जागने के लिए इस किस्म की ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो तीन तीन दिन चार चार दिन वो सोते नहीं हैं, और उससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वक्ती तौर पे इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन वो वक्ती तौर पे तो उसका फायदा उनको वो हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। उसमें फिजिकल जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें उनमें वो वीकनेस आ जाती है, उनमें एपिटाइट में फर्क पड़ जाता है, और इसके अलावा अगर वो ज़्यादा उसमें इस्तेमाल करते हैं तो उनके लंग्स पे, उनकी किडनीज पे उसका इफेक्ट आता है। तो बॉडी के साइड इफेक्ट्स के अलावा मेंटली तौर पर जो ज़्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं, और उससे हमेशा के लिए वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो भी सकते हैं, जैसे उनको साइकोसिस हो सकता है, इसमें उनको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उनको इस किस्म की वो चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं कि जो कि अमूमी तौर पर दूसरों को वो नहीं दिखाई दे रही होती। इसके अलावा वहम उनको आना शुरू हो जाते हैं कि ये लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे ये मार देंगे, इसकी वजह से उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो असल बात बताने का जो मकसद ये है कि ये ड्रग्स जो हैं जिनको हम स्टिमुलेंट्स बोलते हैं, इनका असर बच्चों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा होता है,
उसकी वजह से वो बदतमीजियों पर उतर आते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वो ये भी नहीं वो देखते कि उनके सामने उनके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, बड़ा है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें और माँ बाप को, बल्कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को इस चीज का खास तौर पर उनको बच्चों के ऊपर वो नजर वो रखनी चाहिए कि वो इस किस्म की ड्रग्स का इस्तेमाल वो बिल्कुल ना करेंगे। अगर कोई इस किस्म के बच्चे हैं तो उनको वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ रेफर कर दिया करें, ताकि वो उनको उस चीज से वो बाहर वो निकालें और ताकि वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें। सही सर, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन हर एक के माइंड में यही होता है कि इसका जो इलाज है वो अक्सर जो है घर में मुमकिन है या किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। और ये बहुत बड़ा एक मिथ भी है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो ड्रग एडिक्शन की बीमारी जो है ये बिल्कुल वैसे ही आम बीमारियों की तरह होती है कि घर बैठ के बंदा मेडिसिन खाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान को अर्जेस होती हैं, इंसान को जहनी तौर पे उस चीज की कशिश उसको महसूस होती है, तो उसकी वजह से वो घर में ड्रग के बगैर वो रहता नहीं है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है और उसको उस चीज तक रसाई भी हासिल हो जाती है घर में रहते हुए। तो मेरे ख्याल से अगर अच्छा इलाज और देर पा इलाज होता है तो वो सिर्फ एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर पे ही रह के हो सकता है। शुक्रिया सर फैज़ मुहिद्दीन, और शुक्रिया सर खुर्रम, आप लोगों ने जो है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ जो है शेयर की। आई होप सो कि आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ये जो स्टिमुलेंट्स ड्रग्स हैं ये कौन कौन सी हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसके अलावा जो है इसका इलाज कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।